हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल माय नेम इस निकुंज पटेल और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ टोस्टर सो स्टार्टिंग विथ वर्किंग प्रिंसिपल द टोस्टर वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट जो टोस्टर होता है वो इलेक्ट्रिकल करंट के हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करता है वैन वैन करंट आई फ्लोस थ्रू अ रेजिस्टेंस आर फॉर टाइम पीरियड टी हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी जूल इज प्रोड्यूस जब भी करंट आई रेजिस्टेंस आर के थ्रू टाइम पीरियड टी के लिए फ्लो होता है तब आईस्वेयर इंटू आर इंटू टी जूल जितनी हीट प्रोड्यूस होती है वीट डिज द स्लाइस ऑफ द ब्रेड इज बैक और वो हीट से जो ब्रेड की स्लाइस है वो बैक होती है यहाँ पे आप बेसिक डायग्राम भी देख सकते हो टोस्टर का जहाँ पे सिंपल बेसिक डायग्राम दिया है डोर्स देख सकते हो आप लोग हीटिंग एलिमेंट देख सकते हो पावर सॉकेट पायलट लैम्प सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे सो नेक्स्ट इज़ टाइप ऑफ टेस्ट टोस्टर देर आर टू टाइप ऑफ टोस्टर फर्स्ट इज़ सिंपल टोस्टर एंड सेकेंड इज़ ऑटोमेटिक टोस्टर

ऑटोमेटिकली वो ऑफ नहीं हो जाएगा अगर स्विच ऑफ़ करने के में देरी हो जाएगी डिले हो जाएगा तो जो ब्रेड है वो जल सकती है द टेम्परेचर इन द टोस्टिंग जोन इज़ अबाउट टू सिक्सटी डिग्री सेंटीग्रेड जो सिंपल टोस्टर होता है उसके अंदर जो टेम्परेचर टोस्टिंग जोन के अंदर होता है वो अराउंड दो सौ साठ डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है टोस्तरस आर अवेलेबल इन द रेटिंग ऑफ टू थर्टी 600 हंड्रेड वॉट सेवन फिफ्टी वॉट था वॉट एंड वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी वॉट जो टोस्टर है वो अलग अलग रेटिंग में अवेलेबल होते हैं जो वोल्टेज रेटिंग होता है वो टू थर्टी वॉल्ट होता है और जो पावर रेटिंग होता है जो छः सौ वॉट या फिर सेवन फिफ्टी वाट या फिर था वॉट या फिर बारह सौ पचास तक यूनिट कंज्यूम कर सकता है इन द सिंपल टोस्टर द हीटिंग एलिमेंट इज मेड ऑफ निक्रोम वायर इज इन द शेप ऑफ स्लाइस ऑफ द ब्रेड इट इज माउंटेड अप ऑन द बूसिंग मेड ऑफ फोर्सिल। जो सिंपल टोस्टर होता है उसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो निक्रोम वायर का बनाया होता है और उसका सेप जो होता है वो ब्रेड की स्लाइस का जैसे सेप दिया गया होता है और उसको माउंट किया होता है पोर्शेलिन का जो बूशिंग बना होता है उसके अंदर ऊपर उसको निक्रोम का वायर का हीटिंग एलिमेंट माउंट करते हैं ढेर आर डोर्स ऑन द टू साइड्स डोर्स आर ओपन एंड स्लाइस आर प्लेस्ड एंड द डोर्स आर क्लोज एंड द इज मेड ऑन उसके जो सिंपल टोस्टर है उसका दो साइड पे दोनों साइड पे डोर्स होते हैं डोर्स को ओपन किया जाता है स्लाइस जो है ब्रेड की वो रखी जाती है डोरस को बंद किया जाता है और स्विच को ऑन किया जाता है द साइड द ब्रेड ऑन द हीटिंग एलिमेंट साइड इज़ बैक सबसे पहले जो हीटिंग एलिमेंट की साइड वाला साइड के जो होगा ब्रेड वो सबसे पहले बैक होगा आफ्टर सम टाइम द स्विच इज मेड ऑफ एंड द साइड्स ऑफ द स्लाइस आर रिवर्स एंड द टोस्ट इज़ प्रिपेयर इन समाइम्स थोड़े समय के बाद स्विच को ऑफ कर करना पड़ता है और जो स्लाइस का जो साइड है वो उल्टा किया जाता है रिवर्स करते हम लोग और बाद में थोड़े टाइम के लिए चालू कर रखेंगे तो थोड़े टाइम के बाद टोस्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा आफ्टर सम एक्सपीरियंस द टाइम फॉर कीपिंग ड सप्लाई ऑन कैन बी जज ये जो सिंपल टोस्टर होता है उसके अंदर स्विच को हम लोगों को मैनुअली ऑफ करना होता है सो so, कितने टाइम के लिए ऑन रखना है वो थोड़े एक्सपीरियंस के बाद आपको जजमेंट आ जाएगा इन सम टोस्टर टू पायलॉट लैम्प्स आर गिवन सिंपल टोस्टर होता है उसके अंदर दो पायलॉट लैम्प्स होते हैं द ग्रीन लैम्प ग्लोव वेन द स्विच इज मेड ऑन जो ग्रीन लैम्प होता है जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो ग्रीन लैम्प ऑन होता है रेड लैम्प इज मेड ऑन वेन सर्टेन टेम्परेचर इज रिच रेड लैम्प ग्लोव डिस शोज दैट समेम्परेचर हैज़ रिच एंड दिस इज नॉट एडजस्टेबल जो रेड लैम्प होता है जब सर्टेन टेम्परेचर पहुँच जाता है तब रेड लैम्प ग्लो होता है और ये जो टेम्परेचर जो है वो एडजस्टेबल नहीं होता है सिंपल टोस्टर के अंदर ना वी विल स्टडी अबाउट ऑटोमेटिक टोस्टर ऑटोमेटिक टोस्टर इज अल्सो कॉल्ड द पॉप अप टोस्टर जो ऑटोमेटिक टोस्टर है उसको पॉपअप टोस्टर के नाम से भी जाना जाता है इन डिस्सो डेर इज हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ निक्रोम इसके अंदर भी हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो निक्रोम का बना होता है इट इज़ केप्ड वर्टिकली ऑन द टू साइड्स ऑफ द टोस्ट वेल इसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है निक्रोम का बना होता है वो वर्टिकली रखा जाता है और जो टोस्टर का दो दो साइड है जिसको टोस्ट वेल बोलते हैं उसके अंदर दोनों साइड पे रखा जाता है देर इज अ ब्रेड कैरेज इन विच द टू स्लाइस ऑफ द ब्रेड आर प्लेस्ड और उसके अंदर साथ साथ उसके अंदर ब्रेड को कैरी करने के लिए ब्रेड कैरेज होता है और उसके अंदर हम लोग एक साथ दो स्लाइड ब्रेड का रख सकते हैं द कैरेज कैन गो अप एंड डाउन इन द डोल जो ब्रेड कैरेज है वो अप एंड डाउन हो सकता है द ओपनिंग हैंडल इज ब्रॉड डाउन आफ्टर प्लेसिंग द स्लाइस ऑफ द ब्रेड हम लोग ब्रेड को सबसे पहले ब्रेड कैरेज के अंदर रखेंगे और बाद में जो ओपनिंग हैंडल है उसको नीचे की तरफ प्लेस कर देंगे द कैरेज गोस डाउन एंड द स्प्रिंग इज कम्प्रेस जैसे ही कैरेज को नीचे जाएगा तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी एट द सेम टाइम द इलेक्ट्रिकल सप्लाई इज मेड ऑन एंड हीटिंग स्टार्ट और उसी टाइम पे इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू किया जाता है और हीटिंग स्टार्ट होता है डेर इज वन थर्मोस्टेट कंप्राइजिंग बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो ऑटोमेटिक टोस्टर होता है उसके अंदर थर्मोस्टेट होता है और उसके अंदर बायोमेटेलिक स्ट्रिप का यूज़ किया होता है वेंड टेम्परेचर रिचिस द शेट वैल्यू इट एक्चुएट्स द मेकेनिकल और इलेक्ट्रो मेकेनिकल डिवाइस बीच ज द कंप्रेस्ड स्प्रिंग ऑफ द कैरेज जैसे ही जितने वैल्यू का टेम्परेचर जितने वैल्यू का टेम्परेचर सेट किया होता है वो पहुंच जाता है तब मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकोमी मे, इलेक्ट्रो मेकेनिकल डिवाइस एक्चुअट हो जाता है और जो कैरेज का कंप्रेस स्प्रिंग है उसको एक्चुएट करता है सोडक कैरेज क्विकली गोसप और तुरंत वो स्लाइस का जो या फिर ब्रेड का जो कैरेज है वो क्विकली ऊपर आ जाएगा कंट्रोल ऑफ थर्मोस्टेट इज प्रोवाइडेड आउटसाइड सो द टेम्परेचर कैन बी सेट डिपेंडिंग ऑफ अपन द टेस्ट साइज एंड द टाइप ऑफ ब्रेड जो टेम्परेचर कंट्रोल के लिए जो थर्मोस्टेट है उसका कंट्रोल है जो है वो बाहर की साइड दिया गया होता है सो so, हम लोग उसको वो एडजस्टेबल है, और वो एडजस्टेबल है डिपेंडिंग कि कौन से टाइप का आपको टेस्ट चाहिए कितने साइज़ का है और तो कौन से टाइप का ब्रेड है तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो सो दिस इज़ ऑल अबाउट टोस्टर थैंक यू फॉर वॉचिंग